नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल टेक बाय एस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC CHSL टायर 2 के कट ऑफ को लेकर के, आखिर आंसर की के बाद कितना जा रहा है, आप लोगों का कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, SSC CHSL से जितनी भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधे अपने वीडियो की ओर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आंसर की CHSL का रिलीज हो गया, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर जो भाई नहीं देखे हैं अभी तक वो लोग जा कर के देख सकते हैं। और आइए दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेता हूं। तो कट ऑफ दोस्तों अक्सर डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट पर और पेपर का मीडियम क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसमें आपके बहुत सारे पोस्ट हैं, डाटा एंट्री हैं, LDC है। तो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों का वैकेंसी टोटल था दोस्तों 4500, लगभग आपके 42,000 स्टूडेंटों को क्या बुलाया था, टायर 1 में पास हुए थे 42,000 स्टूडेंट, उतने लोगों को आयोग ने बुलाया था। और आपका कट ऑफ जनरल और की बात कर ली जाए तो जनरल में जो कट ऑफ जा रहा है दोस्तों 275 जा रहा है प्लस, और OBC की बात कर लेता हूँ तो वही 272 प्लस, EWS की बात कर ली जाए तो आपका जाएगा 270 के आसपास। और रही बात SC और ST की देख लेता हूँ दोस्तों, तो SC का जो कट ऑफ जा रहा है, SC का कट ऑफ आपका जाएगा 262 प्लस, और ST वाले की बात कर लीजिए तो लगभग 250 प्लस, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि रियल कट ऑफ है दोस्तों। ये कट ऑफ अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता रहूँगा जो भी कोई खबर आएगी। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।